तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म कमल के बारे में, और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ब्रह्म कमल को कैसे प्रोपोगेट करके नया प्लांट बना सकते हैं। तो इस पर भटोटिया जी ने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब से, और जानेंगे कि कैसे प्रोपोगेट करके नया प्लांट बना सकते हैं ब्रह्म कमल से। तो डिटेल में होने वाला है ये वीडियो, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर एस एस भटोटिया जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एस भटोटिया तरवन नर्सरी फरीदाबाद से। तो आज हम क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको एक और एक पूजा वाला पेड़ है ये भी, हाँ। लो अच्छी डिमांड में रहता है ये भी, हाँ। इसका नाम है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, इसको रात को इसमें फ्लावरिंग आती है, ओके। दिन में नहीं खिलता, रात को खिलता है, और बहुत ही सुंदर फूल होता है इसका। इसमें दो तीन कलर आते हैं, व्हाइट, पिंक और रेड। मेरे पास कौन सा कलर है पता नहीं, मैंने नहीं देखा इसका कलर। मैं लास्ट ईयर मई में एक पेड़ मिला था मेरे को, ये इस साइज का। अच्छा। ये वाला पेड़ इस साइज का था। अच्छा। एक साल पहले। तो ये तो ग्रोथ इसकी तो बहुत ज्यादा था। हाँ, तो ये है ना, सब फीडिंग का कमाल है जी, ये प्रॉपर मिक्सर का। ओहो, कहते हैं जी मिक्सर मिक्सर चलाते रहते हैं अरे भाई हर बार, लेकिन सारा सब कुछ खेल मिक्सर का, खेल ही मिक्सर का है जो आप यहाँ डाल रहे हैं। हाँ जी, ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है। हाँ जी, हाँ जी। और ये मतलब ये कितने साल का पेड़ है ये ब्रह्म कमल? ये मेरे, मैं बता रहा हूँ, एक साल का है जी, ये मेरा लास्ट ईयर मई में लाया था, मेरे पास इतने याद है। अच्छा, और एक साल में मतलब ग्रोथ एक साल में देखो, और एक ही पेड़ से मैंने ये भी इसी से बनाए हैं। ओके। ये जो उधर रखे 15-20 पेड़ ना जी। अच्छा। और 8-10 पेड़ तो और भी पड़े उधर, 5-10 पेड़। जनरली तो नर्सरी वाले के पास मिलता नहीं है इस तरह का पेड़ ब्रह्म कमल। देखो जी, एक मेरे पीछे एक मैडम पड़ गई थी जी, मेरे को ब्रह्म कमल चाहिए, तो मेरे को भी इसकी प्रोपोगेशन नहीं पता था। फिर मैंने एक दो ट्राई मारी, फिर ये हो गया सक्सेसफुल। में इसकी जो प्रोपेगेशन होती है इसके लीव्स से जी। लीव्स से होती है? हाँ, ये देखो इस, ये जो है ना इसके लिए, चलो मैं इसको काट ही देता हूँ, कोई नहीं आपके लिए अभी, क्या याद रखो। देखो इसमें लीव्स में आपको देखो, ये इसकी है ना, ये मिडरिप से ये निकली हुई ना, ये वाली मिडरिप से जो ज्वाइंट हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखो मैंने पहले कट मारे हुए, ये चीज़ बता रहे हैं आप, ये निकल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये जो मैंने कट मारा है इसको, ये देखो ये ऐसे काटना है, ठीक है। ये देखो जी, ये वाला ना, हाँ। फिर इसको थोड़ा ऐसा काट लो, ठीक है जी। क्या बात है, ये आ गया इसका, ये इसमें कोई रोटे सूटे कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं लगाना। आप इसको एक और काट के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये आपको ये देख रहा है ना डार्क, ये जो डार्क पोर्शन, हाँ ये लाइन, आप इसको ऐसे काट लो वी शेप में, ठीक है जी। और जो कोई सोच रहा होगा डंडी से लग जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला। ना ना, वैसे नहीं होगा जी, इसको ऐसे काटो, ये सोमेटिक सेल्स इसके साथ आएगी तभी चलेगा जी। फिर इसको आप ये इसके फालतू की जो है ये जो लीफ है, हाँ इसको निकाल दो, वो निकाल देते हैं। ये बच गया जी आपका, ये छोटा है? गमला जो ना छोटा सा, ये रहा, ये आपको देखो ये हो गया तैयार। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। अब इसको लगाने का तरीका बताता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। अब ये जैसे हमने गमला ले लिया छोटा, ठीक है, 3 इंच का, इसके नीचे थर्मोकोल डाली, ठीक है, चलिए थर्मोकोल डाली, ये छोटे छोटे टुकड़े। हाँ। और इसमें मिट्टी में मत डालना जी इसको, इसका थोड़ा सा या तो पीट मॉस हो या ये सिंडर हो या कुछ हो, एरेशन अच्छी हो, एरेशन हो। देखो ये डाला आपने, हाँ। ये देखो ये क्या डाला आपने, ये वो सर्कुलेंट वाला मिक्सर है, क्या बोलते क्या इसमें, ये सिंडर बेस्ड मिक्सर, सिंडर बेस्ड मिक्सर, सिंडर है, पीट मॉस, ये हमने देखो इसको ऐसे घुसा दिया। हाँ। अब ठीक है जी, ठीक है। अब घुसाने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक एक्चुअली लीफ बढ़ेगा तो ये झुक जाएगा, इसको सपोर्ट देने के लिए इसके चारों तरफ पत्थर लगा दो जैसे। ओके। ये देखो ये, और फिर लगाने के बाद छांव में रखना है, धूप में रखना है, हल्की धूप में रखना है, और इसको फिर देना पानी, पानी, पानी फवारे से देना है। हाँ, उससे स्प्रे मशीन से, स्प्रे मशीन से देना, और हर एक घंटे में 15-20 सेकंड के लिए दे दो, 8-10 दिन के लिए। हाँ। इसमें तुरंत रूट्स आ जाएंगे। अच्छा, 15-20 दिन में ही रूट्स आ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये देखो जी, एक साल में मैंने इतने बनाए, ये क्या बात है। और ये यही एक तरीका है इसका। अच्छा, और आप इसको पत्ते को कहीं से काट कर, ये इसके बिना बनेगा नहीं है, इसके बिना नहीं बन सकता, यही तरीका है, बहुत इजी। ये देखो जी, और ये आपको किसी ने खरीदना तो हमारे पास है, ये पड़े हैं आपके पास। हाँ, किसी को खरीदना है तो आके यहाँ ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं, ये बाई पोस्ट भी चला जाएगा, बाई पोस्ट भी चला जाएगा। ये देखो जी, ये है, अगर मान लो मैं इस पत्ते को, मैंने कभी ट्राई नहीं करा, इसको भी आज देखता हूँ, पर मेरे को नहीं लगता है चलेगा, ये चलेगा। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं लीफ की जो ग्रोथ है ना आपकी, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई है। अब एक दो उठा के दिखाइए मुझे। ये देखो जी, 3 इंच का गमला है ये, 3 इंच का पॉट है जी,
और ये देखो जी इसमें ये आगे देखो नए नए शूट्स निकल रहे हैं इसमें से। ये देखो आप लीफ से लीफ निकलते जाते हैं इसमें ना। और आप देखो ये देखो जी ये मेरे को ये इससे बढ़िया क्या ये देखो जी ये सबसे बेहतरीन है। ये देखिए कई सारे शूट्स निकले हैं एक। अब लोग कह देते हैं जी ऐसा ही है क्या है क्या है, फीडिंग का तो बहुत जबरदस्त रोल है जी। ये जरूरी है। ये देखो आपने तो बहुत सारे प्लांट्स बना लिए हैं एक। और इसको सीधा करने का तरीका ना देखो, कई लोग इसमें डंडी घुसा देंगे। मैंने इसे पत्थर घुसाया सीधा हो गया ना ये पेड़। हाँ हाँ हाँ। और इसको अगर मैं जैसे बाहर भेजना होगा तो इसमें ऐसे ही इसको करके इसको ऊपर टेप लगा के भेज दूंगा। हाँ। पोर्ट के साथ जाएगा बिल्कुल तो सेफ। ब्रह्म कमल बोलते हैं। हाँ, ब्रह्म कमल जी। और इसमें ये जो पत्ते रहते हैं वो सालों भर रहते हैं? हाँ ये नहीं नहीं पत्ते नहीं गिरते जी। पत्ते नहीं गिरते? नहीं नहीं जी बिल्कुल। अच्छा बहुत अच्छी इसमें आती है जी इसकी ग्रोथ। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।